ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सुरखी विधानसभा क्षेत्र का है। सुरखी विधानसभा उन 28 सीटों में से एक है जहां उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके गोविंद सिंह राजपूत इसी विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवारी कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद गोविंद सिंह राजपूत इलाके में विकास नहीं कर सके, इसलिए शायद राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन ये क्या, वोट राम के नाम पर लेकिन पोस्टर राधा कृष्ण का, भगवान के नाम पर भी ढाल। 20 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गोविंद सिंह राजपूत के कार्यकर्ता एक गांव की भोली भाली बुजुर्ग महिला को राधा कृष्ण का पोस्टर दिखाकर राम बता रहे हैं। अम्मा भी हाँ में हाँ मिलाती नजर आ रही हैं। कार्यकर्ता इस वीडियो में कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत को जिताना है, आप कमल के फूल पर वोट दोगे तो राम मंदिर में एक ईंट लग जाएगी। काश कि बीजेपी नेता ने अपने इलाके में विकास किया होता तो आज यूं भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ता। वैसे भी गोविंद सिंह राजपूत को अपने इलाके में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि राम के नाम पर वोट मांगने वाले गोविंद सिंह राजपूत की नैया पार लगती है या जनता उन्हें बीच मझधार में ही छोड़ देगी। देखते रहिए groundreport.in।